की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ओपन करने दो, एनसीईआरटी कर लो, तुम्हारा जो मन करे कर लो, लेकिन क्लास में याद करके जाना है और कल टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने करवाया है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आज, यस चलो तो आज हम करते हैं पी ब्लॉक का रिवीजन, ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक, ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक, और ध्यान से बैठेंगे। मैं जल्दी जल्दी चीजें बोलूंगी, हाँ ये मैंने पढ़ाया था ना ये याद करो, हाँ मैंने ये पढ़ाया था ना ये याद करो। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। जानवी आ गई क्या? नहीं, जानवी भी नहीं आई है। थोड़ा सा जल्दी, अपूर्वा आ गई क्या? अपूर्वा, मोनिका आ गई? यस मैम, लेकिन अपूर्वा नहीं आई। अच्छा, पूर्वा नहीं आई भाई, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ग्रुप 15 के एलिमेंट से। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेबल चिपका दी है, तो जल्दी से आए, हम देखते हैं कि इस टेबल में तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर नहीं कोई काम का, एटॉमिक मास कोई काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम की है क्या? यस मैम है, आपको ध्यान रखना है ग्रुप 15 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है मेरा बेटा, NS2 NP3 होती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, टू एस टू यस डी मैम। एस टू थ्री पी थ्री। और ये भी ध्यान रखना कि बिस्मत में जो होता है एफ में इलेक्ट्रॉन, अच्छा शिवा भी आ गया, बिस्मत में जो है 4F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो अलग बिहेवियर दिखाएगा कई कई जगह पे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, देखो डिक्रीज ही हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान रखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कायदे से डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन बिस्मत और आपका देखो एंटीमनी की क्या है मेरा बेटा, सेम है। ठीक है, रीजन क्या था, वही 4F में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है, पूरे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कोवेलेंट रेडियंस क्या था, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, तो ये देखो बढ़ रहा है ना, 70 से 110 बढ़ रहा है, फिर 121, 141, लेकिन जब आप आर्सेनिक के बाद जा रहे हो तो इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा, रीजन वही ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिस्मत, और इसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ज्यादा साइज बढ़ नहीं रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, लेकिन हाँ नाइट्रोजन से फॉस्फोरस अच्छा खासा बढ़ रहा है। क्लियर है? उसके बाद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा ना, थम्स अप देते जाओ अगर समझते जा रहे हो, और रिवाइज मेरे को पता तुम करके आए हो तो बहुत अच्छे से जम रहा होगा, चमक रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की, नम्रता रिवाइज किया ना चैप्टर, नम्रता जी मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का जो होता है कम होता है सबसे ज्यादा। गुड इवनिंग पूजा। नाइट्रोजन का क्यों कम होता है, उसका हल्का है ना, गैस है हल्का है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम है। वैसे मैंने इसका पूरा ऑर्डर भी याद करवाया था, याद हो तो तुम लोगों को, आर्सेनिक, फिर क्या आता था, एंटीमनी आता था, एंटीमनी, फास्फोरस, नाइट्रोजन। यस फॉस्फोरस, देखो कैसे रट के बैठे हो तुम लोग, वेरी गुड। ठीक है, और इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने कहा था मत करना यार। ठीक है, इस टेबल में इतनी सी चीजें तुम्हारे काम की थी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था, मैं सारा नहीं करा रही हूँ पी ब्लॉक रिवाइज, वो तो फिर वही चैप्टर ही हो जाएगा, जो जो मेन मेन मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक में करा दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसमें आप लोगों को पता है जो डाई नाइट्रोजन है वो डाई एटोमिक गैस है, जबकि बाकी सारे सॉलिड्स हैं। मेटलिक करेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तुम्हारे क्या है, नॉन मेटल है, याद करो। यस मैम। यस मैम। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या थे मैम, आपने बताया था मेटलोइड्स, मेटलॉइड। वेरी गुड। और बिस्मत का कैसा नेचर होता है, ये मेटल होता है, मेटल। मेटल। और मेटल, और याद करो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि इसके ऑक्साइड और इसके ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होंगे, इसके ऑक्साइड दोनों के एम्फोटेरिक होंगे याद करो, और इसका जो ऑक्साइड होगा वो आपका बेसिक इन नेचर। बेसिक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हो गया, और एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं, एलोट्रोप्स दिखाते हैं, नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंट बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है बाकी सबसे, सब में ये सेम कहानी चलती है कि मैम छोटू सा साइज है ना, छोटा सा साइज है अपने मेंबर में। हाय जानवी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ठीक है जी, साइज छोटा होने की वजह से क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है इसकी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है,
साथ ही साथ इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होते, तो ये पीपाई डीपाई बॉन्डिंग नहीं करता। हाँ ये पीपाई पीपाई बॉन्डिंग अच्छे से करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हालांकि कार्बन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, लेकिन पीपाई डीपाई नहीं, पीपाई पीपाई क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो एक चीज ध्यान रखना मेरा बेटा, जो आपके सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें किसी के पास भी क्या नहीं होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होती है। जैसे आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। जो आगे के एलिमेंट्स है लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो पीपाई डीपाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एनएन बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है सिंगल पीपी से। क्यों होता है? क्योंकि क्या है, एनएन एन का साइज छोटा है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी पास है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं वो, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन उनमें रिपल्शन होगी तो थोड़ा सा दूर भागना चाहेंगे। एनएन बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है सिंगल पीपी बॉन्ड से, पीपी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू एनएन बॉन्ड, ठीक है जी। इसी की यही और यही रीजन है कि जो आपका नाइट्रोजन है उसकी जो कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, वो वीक है, मतलब ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन नहीं दिखाता, जबकि फॉस्फोरस आर्सेनिक काफी अच्छी उनकी कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, ये हमने काम की टेबल है, याद है सबको? यस मैम याद है सबको। चलो काफी सारे बच्चे आ गए हैं, ओम आ गए, संचिता आ गई है। टाइम पे आया करो मेरा बेटा, टाइम पे आया करो, रिवीजन क्लास चल रही है और इसमें हमें क्या करना है, अपना बेस्ट करना है कल वाले टेस्ट में। इसीलिए जो जो पॉइंट्स मैं करा रही हूँ इनको तो बिना करे कल पेपर में अपीयर मत हो जाना, ठीक है। और मैंने तुम्हें अगर नोटिस किया, एक माइंड मैप दिया है, माइंड मैप, ठीक है। मतलब जो सिलेबस में नहीं है ना वो भी है, तो तुम वो नहीं करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा देखते देखते मैम ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। काफी अच्छा है, काफी समराइज करके कंपाइल करके वहां पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जब पेपर में देने जाओ उससे पहले वो पढ़ जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा बेटा, किसकी बात करूंगी, सबसे पहले मैं डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूंगी। तो ये क्या है, हाइड्राइड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 हो गया, PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का, बिस्मथ का। तो अगर मैं डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो देखो बेटा, डाउन द ग्रुप जाके डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि जैसे आप नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन तो छोटू सा है तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए डाउन द ग्रुप एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, NH3 की, फिर PH3 की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की और बिस्मथ की, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताओ? वेरी गुड, BIS3। और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होता था, NH3 का सबसे कम, फिर PH3 का, फिर आर्सेनिक का, ठीक है, फिर एंटीमनी का, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा बिस्मथ, ठीक है जी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, अमोनिया की, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर बिस्मथ, ठीक है। और आओ अगर मैं बेसिक करेक्टर की बात करूं, बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होता है, ये बेटा मैं बोल रही हूँ कल के टेस्ट, अमोनिया का, वेरी गुड, अमोनिया। तमनप्रीत लेट हो गई बेटा, मैम तो वायलेट दे गए थे, ठीक है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर PH3 होता है, फिर आर्सेनिक होता है, फिर उसके बाद एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है। तो यानी कि आपको ये तीनों ऑर्डर याद होने चाहिए, रिड्यूसिंग पावर के, थर्मल स्टेबिलिटी के एंड बेसिक करेक्टर के, बेसिसिटी के, ठीक है। अमोनिया क्यों ज्यादा बेसिक होता था, साइज छोटा है नाइट्रोजन का, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे एरिया में ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, तो वो इजिली डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से अमोनिया का बेसिक करेक्टर ज्यादा है। आप बोल सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन प्योर sp3 ऑर्बिटल, प्योर कह रही हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में, जबकि बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, तो s ऑर्बिटल में रह जाते हैं, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। होल्ड अच्छा होता है इनमें, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना s ऑर्बिटल में, तभी वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। पर मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे क्या करना है, ये हो गया हमारा
और ये छोड़ो बोन एंगल क्या होता है, बोन एंगल आपका नाइट NH3 का ज्यादा होता है और फिर PS3 का फॉलोड बाय आर्सेनिक का एंटीमनी का। बोन एंगल भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ये कल चीजें तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगी क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा सा है, चैप्टर ही बहुत छोटा सा है जो मैं करवा रही हूँ। देर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कल, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डाउन द ग्रुप क्या है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन छोटू सा है, बिस्मत बड़ा सा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमारा मेन काम का क्या था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आ जाओ इस बॉइलिंग। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आपको दिख रहा है मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। रीजन मैंने बताया था कि इसमें पहले इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर किया है, फिर उसके बाद इन्होंने एंटीमनी को बोला है वंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, मोलिकुलर मास बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक टाइप ऑफ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फिर आर्सेनिक का है, फिर लास्ट में PS3 का है। दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मैं फिर बोलूं, अगर किसी ने कल ये सोचा, माइंड मैप मैंने दे दिया और जब पेपर आएगा अगर मान लो उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के सवाल आ गए और तुम भूल गए और तुमने उसका नोट्स का या बुक का हेल्प ली तो चाटा लग जाएगा। समझ एज्यूम कर लेना कि मैम हमें चाटा लगा रही है अगर तुमने नोटबुक से हेल्प ली है, क्योंकि मुझे पता है थ्योरिटिकल चैप्टर में हेल्प लेना बहुत आसान होता है, कोई भी नहीं लेगा, अपनी मेहनत से टेस्ट करोगे। समझ में आया सबको, अपनी मेहनत से, अपने आप से ईमानदार रहोगे तभी आगे लाइफ में ऑनेस्ट बनोगे। अपने आप से ईमानदार नहीं रहोगे दूसरों से तो फिर झूठ बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज बेटा प्लीज ध्यान रखना, मेरे को जो तुम लोगों पे ट्रस्ट है प्लीज ब्रेक मत करना उसको। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो रंग बदल दिया भाई, रंग बदल दिया, वंडरवॉल फोर्सेस को पहले प्रायोरिटी मिल रही है, बिस्मत एंटीमनी। और मैं फिर बोल रही हूँ बिस्मत कई बार पेपर वाले नहीं, एग्जामिनर नहीं मेंशन करता है, ठीक है, वो एंटीमनी से स्टार्ट करता है सारी चीजें। तो एंटीमनी का फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा, अगर बिस्मत है तो बिस्मत का सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी का, फिर मेरा बेटा, फिर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर किया है, फिर वापस से वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया है। तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के तुम्हें ग्रुप 15 में भी जब पेपर देने बैठोगे ना उससे पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये सारे ऑर्डर पढ़ के बैठोगे, ठीक है। 15 के, 16 के, 17 के, 18 में तो कुछ है नहीं। हो गया ये, किसी को डाउट है क्या इस टेबल से? दोबारा आपको क्या रखना है इसमें से, कुछ ध्यान रखना है क्या? ज्यादा खास तो ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो, जनरल कोवलेंट रेडियस की नाइट्रोजन से फॉस्फोरस अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है एलोट्रोपी नहीं दिखाता, एलोट्रोप्स नहीं दिखाता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं तो इनके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होंगे। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं यानी कि इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। और बिस्मत के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। हाँ तमनप्रीत, तुमने कहा था ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स में बेसिसिटी एसिडिटी का अलग ऑर्डर ही होता है, सब जगह हम सेम ट्रेंड नहीं लगा सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ेगी। ऑक्साइड्स में तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ रही है और हाइड्राइड्स के केस में डाउन द ग्रुप एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि एसिडिटी में हम क्या देखते हैं, कितनी जल्दी एच प्लस गया मेरा बेटा बाहर, ठीक है। उसके अलावा ये एनोमलस बिहेवियर क्या है नाइट्रोजन का, क्या क्या है, क्या क्या अजीब तरीके के दिखाता है, ये छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा हाई एनर्जेशन एंथैल्पी है, भैया के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं जिसकी वजह से पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, बट यस पी पाई बॉन्ड बनाता है। एनएन बॉन्ड वीकर क्यों होता है पीपी से, पीपी जो बॉन्ड है वो ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा है, क्योंकि एनएन क्या है आपका साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है जी। और इसमें क्या करना है, ये सारा, ये इसके अलावा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यस तमनप्रीत मैम, जो एक पीपी बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एनएन एक बॉन्ड से? हाँ पीपी वाला जो है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एनएन से। तो मैम जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसको तोड़ना आसान नहीं होता? नहीं 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 नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये बॉन्ड वीक क्यों है, देखो मैंने बोला पीपी के बीच में क्या है इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, ये बोला ना मैंने, बट मैं बोल रही हूँ कि एनएन बॉन्ड वीकर है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो वीक होता है उसको तोड़ना आसान होता है यहाँ पे। लेकिन देखो ये वीक क्यों है, ये वीक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये टिक ही नहीं पा रहा है। एनएन बॉन्ड बहुत वीक होता है, पीपी में क्या है लंबा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो रिपल्शन नहीं हो रही है ना, जबकि इसमें हो रही है, That is why NN bond जो है weaker है। Okay, ठीक है मेरा बेटा, चलो yes.
डाउट आए पूछ लेना उसी टाइम. हो गया ये क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसको करने का ट्राई करो. अरे तो भाई आ गया सेम. हैंड रेस करेंगे बच्चे. वेरी गुड. अक्षरा, जानवी, मोनिका, रानी, सिद्रा, अर्चना, तमनप्रीत, वेरी गुड. अपेक्षा, शिवाश, शाबाश. प्रखर, प्रखर बताएगा. प्रखर क्या होगा? सेकंड. वेरी गुड, सेकंड. ठीक है, तो एनसीईआरटी सूट के आता है. हाई क्यूब बॉन्ड वीक होता है. हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ओइंग टू द स्मॉल एन एन बॉन्ड लेंथ इन कंपैरिजन टू पीपी. मैं फिर बोलूं, पीपी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, तभी उनमें क्या है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर होती है, रिपल्शन नहीं होता है. एन एन का बॉन्ड के बीच डिस्टेंस कम होने के कारण रिपल्शन क्या होता है उसमें ज्यादा होता है. किसके बीच? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टू करके दिखाओ मेरे को. कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा मेरा बेटा? शाबाश, रेज योर हैंड. अंकिता आप बताइए बेटा कौन सा एसिडिक होगा? फर्स्ट. वेरी गुड, फर्स्ट होगा. N2O5 इज मोर एसिडिक. ठीक है, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है. ठीक है, ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक है. ठीक है, और ये भी क्या है? ये क्या है? एसिडिक है. बट ज्यादा एसिडिक कौन होगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. आगे चलो, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है. शाबाश, अच्छा ये पहले से ही हाथ कर लिया गया तुम लोगों ने. अक्षरा आप बताओ. मैम थर्ड. थर्ड, एंटीमनी का ऑक्साइड. याद करो, नो को नाश हुआ न्यूट्रल, एनओ N2O CO और H2O. एम्फोटेरिक में क्या था? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सूख, यानी कि जिंक का ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, एंटीमनी का और टिन और लेड के ऑक्साइड, और एक आर्सेनिक का ऑक्साइड भी क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है जी. चलो मैम, आपने सेकंड के क्वेश्चन में ही थर्ड का ऑप्शन बता दिया था. अच्छा, किसने? कौन? अपेक्षा तुम बोल रही हो क्या? यस मैम. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर थ्री करो. मजा आ रहा है ना, इनऑर्गेनिक तो तुम्हारी फेवरेट है ना? अब बताओ मेरे को. यस मैम. यस मैम. मैम पहले चैप्टर गंदा लगता था, इस बार पढ़ा तो अच्छा लगा. ग्रेट. नजरिया, अपना नजरिया बदलोगे तो एवरीथिंग विल बी सुपर इजी फॉर ऑल ऑफ यू. सबके लिए इजी रहेगा, बस मेहनत करो. मेहनत भी कैसे? ऐसा नहीं पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको दोबारा पूछो, है ना. एक बार खुद मत्था मारो. क्या बताएगा मैम? ऐसे बताएगा, चलो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा. मतलब आप समझ रहे हो, उस सिचुएशन से भागना नहीं आपको, उसको फेस करना है. कोई चीज नहीं हो, मेरा तो देखो लाइफ में ये फंडा रहता है, कोई चीज नहीं हो रही है ना मुझसे, मैं उसी के पीछे पड़ जाती. आपको भी यही करना है. न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, पीछे पड़ जाओ भाई, कब तक नहीं होंगे. एक दिन न्यूमेरिकल्स को भी आप लोगों के आगे झुकना पड़ेगा भाई. ठीक है, जो चीज नहीं हो रही है उसके पीछे पड़ जाओ भाई हाथ धो के. कैसे, ऐसे कैसे नहीं होगी, होगी. ठीक है, अर्चना आप बताओ मेरा बेटा थर्ड का आंसर. ऑप्शन फर्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी बिस्मत की ज्यादा तो नहीं होती है मेरा बेटा, इसकी ज्यादा होती है NS3 की. क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. नाइट्रोजन का सबसे छोटा, फिर फॉस्फोरस का उससे बड़ा, फिर आर्सेनिक का सबसे बड़ा, तो बिस्मत का साइज सबसे बड़ा और हाइड्रोजन छोटू सा है. अब छोटे और बड़े के बीच में क्या कंपैरिजन करो, बॉन्ड तो है ही नहीं, उनमें वीक है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी भी कम है, बिकॉज जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. NCl3 पॉसिबल है लेकिन NCl5 नहीं है, जबकि फॉस्फोरस में दोनों ही पॉसिबल है. शाबाश, सिद्रा आप बताओ मेरा बेटा. मैं कंफ्यूजन नहीं रहती है. क्यों, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, पूछो. मैम क्वेश्चन समझाइए एक बार. क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा,
कि नाइट्रोजन में जो है NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता, लेकिन फास्फोरस के केस में दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? हाँ जी अक्षरा, हाँ अक्षरा मैम, फर्स्ट ऑप्शन, यस, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है ना, क्यों? इस बिट, इस भैया के पास, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल ही नहीं है। इवन सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं भैया, जैसे नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वो 4 बना, वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, बट अगर 4 बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, जो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है ना, अगर वो अपनी वैलेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक कम बनाता है तो नेगेटिव आता है। जैसे अगर मान लो कार्बन 3 किसी रिएक्शन में, तुम जैसे याद है तुम्हें साइनाइड बता रही थी, तो यहाँ पे साइनाइड को मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब अपनी वैलेंसी से एक फालतू बना रहा है तो पॉजिटिव आता है। और जहां जहां तुमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, जहां जहां ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, जैसे फॉस्फेट में तुमने, तमनप्रीत तुमने पूछा था, तुम पूछ रहे थे सर से, ठीक है, तो फॉस्फेट में क्या था, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बना रहा है, तो इसलिए इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब अपनी 2 बॉन्ड ही बना रहा है, 2 वैलेंसी, ठीक है, तो मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई अपनी वैलेंसी से एक ज्यादा का मतलब बॉन्ड बनाता है उससे ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कम का बनाता है तो नेगेटिव का आता है। जैसे अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाए कहीं पे किसी रिएक्शन में, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या नहीं कर रहा, NCl5 नहीं बना रहा है। ये वाला क्वेश्चन करो, आधी से ज्यादा क्लास का हैंड रेज होना चाहिए आज, शाबाश। कल मेरे को सबके नंबर दिखने चाहिए 120+। अनिरुद्ध आप बताइए, अनिरुद्ध यस मैम, बताओ बताओ जल्दी। हाँ मैम ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या, ऑप्शन 2 अपेक्षा आप बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में तो रंग बदल देता है ना एंटीमनी का सबसे ज्यादा, बिस्मत तो है नहीं, तो बिस्मत को भी लाइन में लगा देते, फिर इसके बाद हाइड्रोजन नहीं। अनिरुद्ध क्या करना है, कल के टेस्ट में नंबर कटेंगे बेटा, प्लीज ध्यान से देखो क्या बता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर दोबारा वंडर वॉल फोर्सेस, सबसे लास्ट में PH3 आता है, ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। NH3 तो देखते ही काटो, लेकिन हाँ मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया फिर पहले हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले सबसे बड़ी वाली लगाओगे, निकालो सब में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कल के टेस्ट के हिसाब से नहीं बोल रही, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। जानवी आप बताइए, ऑप्शन ए नाइट्रोजन की पे कितनी आ रही है, जल्दी बताओ कितनी निकाली तुमने नाइट्रोजन पे HNO3 में, बोलो बोलो, +5। वेरी गुड, शाबाश। इसमें नाइट्रोजन पे क्या आएगी, +2। इस पे क्या आएगी, N2 पे जीरो। इस पे क्या आएगी, -3। क्या बात है, आंसर क्या आएगा, 1। मैम हाँ मैम, उस पे +3 भी आएगी, कैसे आएगी मेरा बेटा, आगे समझ है ना। यहाँ पे क्या होगा, X+4-1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, यस मैम,
से माइनस थ्री लेके जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, जैसे एनओ टू होता है, एनओ थ्री होता है ना, एनओ होता है, एन टू ओ थ्री होता है, एन टू ओ फाइव होता है, एन टू ओ फोर होता है, तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन पे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक करेक्टर होगा। ये तुम्हें पता है ना, बताया था मैंने? यस मैम। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला। ये मैंने क्लास में नहीं करवाया था, बट ये केमिकल बॉन्डिंग में था, देखते हैं कौन कर पाता है। यूज योर कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग वाला। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड रानी, नम्रता, जानवी, तमनप्रीत, दीपिका, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड अपेक्षा। दीपिका आप बताएंगी? यस मैम, ऑप्शन नंबर वन। वेरी गुड। और एक क्या बोला तुमने, कहाँ पढ़ा सबने, आज तो पूरे मूड में हो तुम सारे के सारे। ठीक है, देखो याद है पीसीएल फाइव का क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था तुम लोगों ने, ट्राइग्लोमेरुलर बायपिरामिडल। मैंने कहा था एक्सियल बोन्स लॉन्गर होते हैं इक्विटोरियल से, ठीक है, अब लंबे होते हैं तो मतलब वीक होते हैं, जैसे तुम हीट करोगे ये पीसीएल थ्री और सीएल टू में टूट जाता है, ये बोन लंबे है वीक है इसीलिए अलग हो जाते हैं। तीन इक्विटोरियल होते हैं ये वाले, जिनमें एंगल 120 का है, दो एक्सियल होते हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का होता है, एक्सियल बोन्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बोन, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, फर्स्ट पीसीएल 5 रिएक्टिव होता है ना कि नॉन रिएक्टिव, तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, और यही आपसे क्या किया था, पूछा था। हो जाएगा शिवा, अनिरुद्ध, जानवी, अनामिका, ज्योति, दिया, काजल, किरण, मोहित, अरे ये क्या होगा, ठीक है। ओम ओम बेटा, प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप वैसे नहीं बोल सकते माइक में, नहीं बोल रहे हो कोई भी, तो प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को प्लीज बताइए। उसके अलावा ये तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, याद करो फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, ये मैंने बहुत अच्छे से करा रहा है। इसके स्ट्रक्चर तुम एक बार बना के देख लेना रात को सोने से पहले या कल टेस्ट देने से पहले। कौन कौन से बना के देखोगे? फॉस्फोरस के बना के देख लेना, सल्फर के बना के देख लेना और नाइट्रोजन के बना के देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ये ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्थोफॉस्फोरिक, फिर एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो ऑर्थोफॉस्फोरस, फिर एक और कम कर दोगे तो हाइपोफॉस्फोरस, है ना। दो H3PO4 के मॉलिक्यूल लेके उसमें से पानी निकाल दोगे तो पायरोफॉस्फोरिक, जिसको आप ओलियम भी बोलते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, निकालो, चलो इसको मत देखना, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की सब में, चलो निकालो निकालो सारे बच्चे। निकाल लोगे क्या? Yes, ma'am. ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लिखी भी हुई है, निकाल लेना। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसमें POH बॉन्ड है, किसमें P डबल बॉन्ड O है। मैंने कहा था P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड तो सब में ही है ना। चलो हो जाएगा ये, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम। कौन टाइप बेसिक है, कौन टाइप? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं H3PO4 और H3PO3 में से बेसिसिटी किसकी ज्यादा है? ये कौन सा ट्राई बेसिक है ये, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन मोनो बेसिक है, डाई है, ट्राई है, कौन है। H3PO2 क्या था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, क्योंकि उसके पास क्या थे, ये देखो ये बना हुआ, हाँ एच बोन थे, ठीक है, इन दोनों की वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी। तुम तो रट के बैठे हो भाई। चलो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है,
क्योंकि मैं सारा नहीं करवा पाऊंगी बेटा, क्योंकि मेरे को सारे रिवाइज करने, तो जो जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होने चाहिए उसका मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 16 में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तुम्हें यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी, जनरल NS2NP4। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा, उसके अलावा ये आप ध्यान रख सकते हो, क्या हाईलाइट करना ये, इसको मत भूल जाना, सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होती है बेटा इसमें, सल्फर की होती है, सल्फर के बाद सिलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम की, उसके बाद में ऑक्सीजन भैया जी आते हैं, मतलब ऑक्सीजन भैया जी सबसे पीछे चले जाते हैं, सबसे ज्यादा लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑक्सीजन की होती है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही छोटे साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी बाकी सबके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेना चाहेगा तो उसमें रिपल्शन फेस करेगा, मतलब इतनी आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से बाकी सब एकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, आई गेस कोई भी इसमें याद करने का नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है, वो भी ठीक है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इधर आओ, आप पोलोनियम का याद नहीं भी रखोगे चलेगा, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसकी केमिस्ट्री की कोई बात भी नहीं करता है, पहली बात तो ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है, इधर आओ, कि अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में गैप देखूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा गैप है, देख रहे हो 55 और उसका 393, बॉइलिंग पॉइंट इसका 90 और सल्फर, ये क्यों बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में होता है और सल्फर किस फॉर्म में होता है, एसिड की फॉर्म में होता है, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होता है। अगर ज्यादा क्राउन रिंग स्ट्रक्चर आप पढ़ते थे बचपन में, हालांकि अभी भी है बट वो सिलेबस में नहीं है, तो इसके क्राउन रिंग स्ट्रक्चर होने के, मैं बोलूं पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा, ऑक्सीजन तो भैया गैस है, फूंक मारो खत्म, मतलब बहुत हल्का है, कहने का मतलब है हल्का है। देख पा रहे हो मास कितना है इसका, 16, इसका 32 है, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस आया। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है इसके अंदर, हाँ जानवी बोलो बेटा। मैम जो नंबर्स के ऊपर अल्फाबेट लिखे हैं वो भी मतलब पूछता है? ना 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 ना, ये जो ये लिखा हुआ सीडी, ना ना ना, ये कुछ नहीं पूछता, उसकी टेंशन मत लो, इसलिए मैंने बताया नहीं, मतलब जितना तुम्हें मैंने बताया ना, पढ़ाया है उतना ही तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो हम कब पढ़ेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, जनवरी के बाद, क्योंकि जेईई मेंस का अटेम्प्ट हो जाएगा, उसमें हम देख लेंगे अगर उन्होंने कुछ बाहर से पूछा हुआ है, वैसे ये तो वैसे ही नहीं पूछते जानवी, बट अगर कुछ और बाहर से पूछा तो वो कवर कर लेंगे क्रैश कोर्स में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना मैंने आप लोगों को कराया। सारे एलिमेंट्स जो है इसके क्या है बेटा, एलोट्रोपी दिखाते हैं, एलोट्रोप्स दिखाते हैं, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखने की चीज है, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है मैम, सेलेनियम टेलोरियम मेटलॉइड्स है, ठीक है मैम, पोलोनियम जी भैया जी मेटल है, रेडियो एक्टिव है। अच्छा और क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है इसके ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम पे एलोट्रोप दिखाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, अभी बताया मैंने, वो कह रहे हैं लार्ज डिफरेंस, इधर आओ, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, एटोमिसिटी पे, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है जबकि ये एसिड की फॉर्म में, क्लियर है जी, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है, किसके, ऑक्सीजन और सल्फर के। आई होप सभी को यहाँ पे बैठ रही हूँ बातें, ठीक है। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर मतलब क्या, अलग से क्या टेढ़ा क्या है, छोटा साइज है, यस मैम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस मैम, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यस मैम, हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं, आगे लिखा होगा शायद, ठीक है, आगे भी नहीं लिखा मैंने, वो स्लिपिंग नहीं ली होगी, ठीक है। और याद करो H2O क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, चलो, जो कि H2S में नहीं मिलती। उसके बाद ग्रुप 16 बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा और बहुत इजी है। उसके बाद अपने को क्या करना है मेरा बेटा, ये टेबल करनी है, ये टेबल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, नीचे से चलती हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए होता है ना, इसको आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं,
जितना ज्यादा डिसोसिएशन कॉन्सेंट होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी मेरा बेटा, याद करो। यस मैम। यस मैम। एसिडिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। एच टू टेलेरियम की क्यों ज्यादा है? डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, टेलेरियम का साइज बहुत बड़ा, एच का बहुत छोटा, बॉन्ड वीक, एच प्लस इजिली निकल जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर सिलेनियम का हाइड्राइड है, फिर सल्फर का हाइड्राइड है, फिर वॉटर का। क्या इतना क्लियर हुआ? यस। चलो उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? सबसे वीक कौन सा होगा बॉन्ड? एच टू टेलेरियम का होगा, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो कितनी कम है, डाउन द ग्रुप कम हो रही है। और सेम ऑर्डर किसका होगा मेरा बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी का भी होगा। थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी मेरा बेटा? टेलेरियम के हाइड्राइड की सबसे कम होगी और वॉटर की ज्यादा होगी। देख लेना वो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। हाँ मोनिका मैम, इसमें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका टेलुरियम के बाद H2O का बताया है। कहाँ पे? यहाँ पे चार्ट, इसमें जो दिया है ये चार्ट जैसा। नहीं नहीं, H2O का सबसे ज्यादा है, फिर ये कम 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 नहीं हो गया मैम? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोल रही हूँ, किसके बाद दिया है फिर से बोलो मैम? टेलुरियम का दिया है, उसके बाद उसका H2O का दिया है। नहीं मेरा बेटा, H2 का तो देखो बहुत कम है ना, पावर पे देखो, पावर देखो 10^-16 है, बहुत कम है। सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ये देखो, ये 10^-3, फिर 10^-4, फिर 10^-7, सबसे छोटी वैल्यू ये है, और जितनी छोटी वैल्यू उतना कम एसिडिक। यस मैम। ठीक है, तुम क्या नंबर देख रही थी क्या शायद? 1.8, 1.3। ना 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 ना, पावर देखनी है। ठीक है, बाकी सबको बोल रही है, अक्सर हो जाती है मैं कंफ्यूजन। पावर देखो, पावर 10^-16 देख लो कितना छोटा है, कितना छोटा। ठीक है चलो, मतलब बहुत ही वीक एसिड है ये H2। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, फॉर्मेशन को छोड़ो, बॉन्ड एंगल वही सेम जो कि ग्रुप 15 में था, इसमें भी वही है, डाउन द ग्रुप घटता है। बॉन्ड डिस्टेंस क्या है? बढ़ता है, ये देखो बढ़ रहा है। अब आ जाओ ये यहाँ पे, बढ़िया है। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे सबका राजा कौन है? वॉटर। वॉटर का सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस कंसीडर किए, टेलेरियम का, फिर सिलेनियम का, फिर लास्ट में सल्फर का। सेम ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ ग्रुप 16, लेकिन नखरे कौन दिखा रहा था? अमोनिया दिखा रहा था। बॉइलिंग पॉइंट में तो कहता मैं आगे नहीं आऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट में कहता मैं आगे आ जाऊंगा। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों हो रहा है वॉटर का? क्योंकि इसमें NH3 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है? वॉटर का ही ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करो मेरा बेटा। अपनी क्लास कब है? 8:15 तक है ना? नहीं नहीं सॉरी, 8:30। किसका? अच्छा काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, क्या बात है। महेश आप बताओ बेटा। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन सी। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन H2O जो होता है वो राजा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का भी और बॉइलिंग पॉइंट का भी, ऐसे याद रखो। ये वाला करो, क्वेश्चन 2 करो मैम। हाँ मेरे बेटा। मैम दूसरे में बोला है कि इंक्रीजिंग बतानी है, तो मतलब कम से ज्यादा जाएंगे सबसे पहले, जब कम वाला आएगा। मैं लिख भी देती हूँ इंक्रीजिंग, मतलब लिख देती हूँ क्योंकि कल पेपर में भी हो सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो। इंक्रीजिंग में कम से ज्यादा जाते हो, ठीक है, और डिक्रीजिंग में ज्यादा से कम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे, इसमें बच्चों को होती है कंफ्यूजन। करो करो हैंड रेज करो, शाबाश, 8 बच्चों ने किया है, बाकी करो, आता है तुम लोगों को। अंकिता, ओम,
कर बेटा हैंड रेज करो. वेरी गुड, शाबाश. काजल आप बताओ. मैम ऑप्शन वन. इंक्रीजिंग में लगा रहे हैं, इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी. रानी. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन सेकंड है काजल. देखो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, और H2 टेलेरियम की सबसे कम, और यही सेम ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होगा. ये वाला करो लास्ट, एसिडिक वाला सवाल. हालांकि मैंने और भी बहुत चीजें पढ़ाई थी अगर तुमने नोट्स में पढ़ा हो, बट यहाँ पे अपने पास इतना टाइम नहीं है वो एक एक चीज करने का, तो इसीलिए मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर है ना, जो मुझे लगता है कि तुम भूल सकते हो, तो उसी का मैं रिवीजन करा रही हूँ. अगर आपका थोड़ा पेंडिंग रहता है रिवाइज करना नोट से, तो आप वो रात को प्लीज करके सोना, क्योंकि बायो का और सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है. और अच्छी बात ये है तुम्हारा सिर्फ थ्योरिटिक, बायो का तो चलो थ्योरिटिकल ही होता है, केमिस्ट्री का भी इस बार थ्योरिटिकल है, तो कल तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे और केमिस्ट्री तुम जो है 30 मिनट में ही निपटा दोगे, क्योंकि ना थ्योरिटिकल है ना, 40 क्वेश्चन थ्योरिटिकल आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगा लो. तो इसीलिए जल्दबाजी में मत करना, तुम्हारे पास कल सफिशिएंट टाइम होगा, आराम से पूरा टाइम स्पेंड करना. मैं देखती हूँ कुछ बच्चे ना 3 घंटे का टेस्ट होता है ना वैसे तो जनरली अपना, वो 2 घंटे में टेस्ट को वो कर देते हैं भाई, तो ऐसे मत करना मेरा बेटा. आपके पास टाइम है, यूटिलाइज करना. हाँ, आपका हो सकता है 1.5 घंटे में ही पेपर हो जाए, वो ठीक है, रिवाइज कर लेना. समझ रहे हो? अच्छा, मोस्ट एसिड. अरे यार, इसमें भी इतने कम बच्चों ने हैंड रेस किया है. करो कमनप्रीत, बताओ इसका आंसर. मैम ऑप्शन वन. यस, ऑप्शन वन इज करेक्ट. ओके, ऊपर वाला करो. और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको पेपर में, प्लीज वो छोड़ देना, नेगेटिव मत कराना. अगर आपको लग रहा है ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, वैसे तो सारे ऑलमोस्ट जहां तक मेरे को लगता है वही आएंगे जो अपने पढ़े हैं, बट स्टिल अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है मैम ये तो नहीं आए हैं, हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा, तो उसको प्लीज छोड़ देना. शाबाश. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड. करो करो करो, हैंड रेस कीजिए. संचिता, अलजिया, ओम, मोहित, किरण, प्लीज डोंट कम फॉर अटेंडेंस ओनली. ज्योति, संचिता आप बताइए बेटा. मैम फोर. फोर्थ ऑप्शन. ऑक्सीजन की ज्यादा तो नहीं होती है मेरा बेटा. अच्छा, इसमें हेलोजन भी डाल दिया गया इन्होंने, कोई बात नहीं, तो मैंने बता रखा है ये. सिद्रा आप बताओ. मैम फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, अच्छा. अंकिता. बोलो मैम. तीसरा. तीसरा, हाँ. अरे पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की होती है ना सबसे ज्यादा. यस मैम. सल्फर की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी. मैं मतलब ये ऑर्डर रहेगा, कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग हैलोजन्स की सबसे ज्यादा होती है बेटा नेगेटिव में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करो, सारे 300 वाली रेंज में होते हैं. अभी मैं आगे ग्रुप 17 बताऊंगी तुम्हें, दिखा देखा. इधर आना एक बार, ये देखो कहाँ गया, ये रहा कहाँ गया, ये रहा, ये देखो 300 वाली रेंज में है भाई. यस मैम. और जबकि ऑक्सीजन वाले में क्या है, ऑक्सीजन वाली फैमिली में देखो, ये देखो मैक्सिमम 200 तक जा रहा है. तो ग्रुप 17 की तो सबसे ज्यादा, और ग्रुप 17 में भी सबसे ज्यादा किसके मेरा बेटा, क्लोरीन की है. वही सेम है ना, 3p है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसीलिए अकोमोडेट हो जाता है. ओके, ध्यान रखना सारे बच्चे. ये वाला करो. पैरामैग्नेटिक करेक्टर. पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. मैंने लिखा
किसमें होएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन टू. वेरी गुड. मैंने कहा था याद रखना नो नोट टू CaO2. ये सब पे क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये तीनों की तीनों ही क्या है? पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज है. ठीक है, वेरी गुड. तुम लोगों को याद है, बहुत ही बढ़िया भाई. तुम्हारी क्रैमिंग पावर जबरदस्त है, जिनको याद है ये चीजें. ठीक है, CO2 में नहीं है. CO2 डायमैग्नेटिक है, SO2 भी और SiO2 में. इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. याद रखना नो नो टू ClO2 इज अ आर द एग्जांपल्स फॉर पैरामैग्नेटिक. ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. आगे चलो. यस मैम. यस मैम. चलो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए. करो करो. एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो सब लोग, खुली छूट है आज के लिए, बट कल मत करना पेपर दे टेस्ट देते हो, आज कर सकते हो. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. बाकी बच्चे वेटिंग फॉर यू बेटा. वेरी गुड ज्योति. ज्योति आपके अंदर आपको पता पोटेंशियल है. ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकती हो, बट एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रेगुलर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा चीजों को लेके. ठीक है, यू हैव दैट पोटेंशियल बेटा. चलो फिर इसी बात पे ज्योति बताएगी हमें. ज्योति मार्शलस एसिड कौन सा है? चैट बॉक्स में बोलते मैम. ऑप्शन टू. ऑप्शन टू, वेरी गुड. ठीक है, याद करो वो दिन परोक्सी लिंकेज होता था इसमें, है ना? ऐसा ऐसा कुछ दिखता था, ऐसा ऐसा कुछ दिखता था, दिखता था. यस मैम. ठीक है, ये अपना है मार्शलस एसिड, जिसको हम परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते थे. परोक्सो लिंकेज होती है इसमें. ठीक है, ओ लिंकेज को हम परोक्सो लिंकेज. ये क्या था अपना? कैरोज एसिड था, याद करो. यस मैम. यस मैम. इसमें भी परोक्सो लिंकेज है, कैरोज एसिड. ठीक है मैम. H2SO5 ना? या गलत बोलते हैं मैंने. ये वाला कैरोज एसिड है. ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला करो, नीचे वाला करो. विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? शिवा क्लास में है ना बेटा? यस मैम. हाँ ठीक है, आज तुम्हें एक चीज बताती हूँ पहले. चलो ये क्वेश्चन करो. प्रखर आप बताओ. फर्स्ट. ओके, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है. ओके, जानवी आप बताओ. ऑप्शन टू. ऑप्शन टू, कैन यू एक्सप्लेन बेटा? यस मैम. SO2 ना H2SO4 के साथ नाम प्लस +6 दिखाता है. हाँ. उसकी को मतलब ऑक्सीडेशन से तो +4 होती है, बट वो +6 में चली जाती है. एंड 0 भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. देखो क्या बोल रहे हैं जानवी ने क्या बोला. देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा? जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा. मतलब अगर वो अपनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, जैसे सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है मेरा बेटा,
ठीक है, इधर आओ, मैं दोबारा एक बार थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ तुम लोग पे। सल्फर देखना कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, जीरो तो नहीं दिखाएगा मेरे बेटा, माइनस टू टू फोर सिक्स ये दिखा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम उसकी सिक्स तक जा सकती है। तो अगर सल्फर अपने सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में लाइक दिस, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज तो कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो कतई ही बिहेव नहीं करेगा, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है बट ज्यादा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो सल्फर माइनस टू में है, अब ये इससे कम थोड़ी ना जा सकता है ना, इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर सकता, क्लियर है ना ये। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्लस फाइव में है, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो खुद को रिड्यूस कर सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और जो अपनी सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन सल्फर जो है वो अपने कम प्लस फोर से माइनस टू भी दिखा सकता है, टू भी दिखा सकता है, और प्लस फोर से वो प्लस सिक्स में भी जा सकता है, इसीलिए SO2 तुम्हारा क्या है दोनों की तरह बिहेव करता है, टाइम आने पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? यस मैम, पक्का। मैं फिर बोल रही हूँ, जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो अपने आप की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही जिनकी लोवेस्ट है वो ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ये वाला क्वेश्चन करो। परोक्सी एसिड बताओ इसमें से कौन से हैं, अभी करवाया है तो मैंने। शिवा बता बेटा, अपेक्षा, अक्षरा, कौन सा लग रहा है आपसे? परोक्सी एसिड पूछा ना, ये बताना परोक्सी लिंकेज किसमें है। किसमें अनिरुद्ध? ऑप्शन थ्री। इसमें अभी तो बताया कैरोज एसिड और परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, भूल गए, ठीक है, बाकियों में नहीं है, बाकियों के आप बना के देख लेना, स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, ठीक है। चलो एक बार लगे हाथ इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना, मैंने नोटबुक में बनवाए हुए इनके भी स्ट्रक्चर। मैम? हाँ बेटा। मैम पर ऑक्सी लिंकेज में डबल ओ होना चाहिए कि एक ओ? ये होना चाहिए, जैसे H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परोक्साइड होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये लिंकेज होती है ना। यस मैम। तो इसी लिंकेज को परोक्सी लिंकेज या परोक्सो लिंकेज बोलते हैं। ओके मैम, ठीक है, चलो मैम। लेकिन H2SO5 में कहां है ये वाली लिंकेज? ये रहा बेटा, वन टू थ्री, ये रहा ना। ओके मैम, ये बनवाया ना, इधर देखो ये रहा बनवाया अभी। मैम सिंगल ऑक्सीजन की नहीं होगी ना? हाँ जी, सिंगल ही तो ऑक्सीजन है बेटा। मैम ठीक है, देखो यस मैम, एक ऑक्सीजन रहेगी तो नहीं ना पर ऑक्सीजन के जोगे? फिर से बोलो बेटा। मैम एक ऑक्सीजन होगी तो पर ऑक्सीजन के नहीं होगी? नहीं होगी। अगर मान लो ये होता है ऐसे, कहाँ बनाऊँ ये देखो, अगर मान लो ये होता,
तो ना होता। यस ठीक है। देखो अगर सिंगल ऑक्सीजन है ना, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके हाइड्रोजन के साथ जोड़ी बनी होगी, ये ध्यान रखना ठीक है। तो ये होना जरूरी है, ओ ओ होना जरूरी है, ओ ओ ठीक है। और ऐसे दो ही एग्जांपल है तुम्हारी ऐसे एनसीईआरटी में, H2SO5 और H2S2O8 ठीक है, मार्शलस एसिड और कैरोज एसिड। चलो बेटा ग्रुप 617 भयंकर इंपोर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो भयंकर इंपोर्टेंट, और देयर आर हाई चांसेस कि तुमसे तुम्हें पेपर में कल वाले टेस्ट में इससे ज्यादा सवाल देखने को मिले। तो मैं देखो वन बाय वन चल दो ठीक है। क्या क्या याद रखना है इस टेबल में, एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना, एटॉमिक मास नहीं, मतलब पता होना चाहिए बट क्वेश्चन नहीं बनेगा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP5 होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन्स की ठीक है। इसमें आपको इसका याद नहीं रखना, सिर्फ फ्लोरीन से आयोडीन तक का ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है ना देखो। यस मैम ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, घट रही है ना देखो। याद क्या करना है ये जानने की जरूरत है मुझे, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और आयोडीन की ठीक है। बिकॉज क्लोरीन का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, 3p और वाइटल होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एकोमोडेट हो सकता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ध्यान रखनी है। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एफ नेगेटिव की ज्यादा होगी, फिर सीएल नेगेटिव की, फिर बीआर नेगेटिव की, फिर आई नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन ठीक है। साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, क्लियर है। तो दो बातें याद रखनी है इसमें, ऊपर वाले में से प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, 54, 172, 265, 386, 84, 239, 332, 455। वाई इंक्रीजिंग, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं ठीक है जी। डिस्टेंस देखो, आयोडीन आयोडीन का साइज बड़ा है तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, क्लियर है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होती है मेरे बच्चों, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की नहीं होती, किसकी होती है, ब्रोमीन की। अगर तुमने गलती कर दी पेपर में कल, चाटे लगा दो। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की नहीं होती, ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन की बेटा ब्रोमीन से भी कम होती है, क्योंकि बेटा छोटा एफएफ बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो होती है कम चाहिए होती है। तो पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, देन आयोडीन। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आयोडीन की होती है। अब तुम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दो या बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बात क्या है, एक ही है। हो गया याद, क्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोर, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो चीजें बता रही हूँ, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा एफ नेगेटिव, क्योंकि वो हैलाइड के केस में बोल रहा है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबका बढ़ रहा है क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की होती है, फ्लोरीन ब्रोमीन के बाद आता है। उसके बाद आता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप देख पा रहे होगा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा मुझे किसका दिख रहा है, फ्लोरीन का दिख रहा है, यानी कि ये खुद को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है मेरा बेटा, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, I2 की। मतलब ये जितने भी मैंने आपको चार पांच चीजें बताई हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है कल के टेस्ट में, क्योंकि देखो कुछ बच्चा तो है नहीं इस चैप्टर में, सारा कट डाउन कर दिया, तो ऑब्वियसली बात अब क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे टेस्ट में, यहीं से ही तो कहीं से बनेंगे ना, 40 क्वेश्चन है ना भाई,
समझ रहे हो, 40% को कहाँ से फ्रेम करना है, उनको इन्हीं छोटे से कुछ बचे हुए जो पोर्शन है जितना सिलेबस में आ रहा है उसमें से बनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, मेरे को बनाना हो पेपर, मैं भी यही बनाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पे। तो इसीलिए कह रही हूँ ये छोटी छोटी चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, उसके बाद क्या है, फ्लोरिन क्लोरिन आपकी गैसेज होती है, ब्रोमिन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, गजब का इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर। अब तो तुम्हें समझ भी आ गया होगा अपने डीएनएफ लोग पर क्यों कलर आता है, क्योंकि यस जो आपके इलेक्ट्रॉन है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की विजिबल विजन में, तो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर कलर शो करेंगे। और कलर किस कहाँ कहाँ होते हैं एक बार देख लो, किसकी वजह से कलर आ रहा है, absorption of radiation in visible region which result in the excitation of outer electron to higher energy level, ठीक है जी? Yes ma'am, ठीक है। Yes ma'am, क्या करेंगे, display fluorine का color yellow, chlorine कौन सी gas होती है, greenish yellow, bromine red होता है, ultraviolet in color होता है, ठीक है। और फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा भैया एक्सप्लोजिव होता है, इसीलिए हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा और क्या करना है इसमें, देखो इधर क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। हाँ, फ्लोरीन के पास देखो डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता, इसीलिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -1 -1 -1 इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर है। आ गया अब, क्योंकि मैम ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये तो भैया खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, ये तो फ्लोरीन जो F2 जो है जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तो भैया अपने आप को F- में चेंज करना चाहेगा। अगर इसके साथ क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, सबको वो Cl2Br2I2 में चेंज कर देगा और खुद F नेगेटिव में चेंज आ जाए हो जाएगा। अगर Cl2 है तो भैया फ्लोरीन को चेंज करने की इसकी औकात नहीं है, ये सिर्फ Br को Br2 में चेंज कर सकता है, मतलब Br नेगेटिव को, और I नेगेटिव को I2 में कर सकता है। और ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन सिर्फ भैया अपने से कमजोर वालों को करेगा, दैट इज I नेगेटिव को I2 में चेंज करेगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई तुम सबको? यस मैम, यस मैम। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन भैया जी हैं। चलूं आगे? यस मैम, यस मैम। ओके, आगे देखो, एनोमलस बिहेवियर क्यों है फ्लोरीन का, क्योंकि मैम छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफएफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है फ्लोरीन की वो एक्सोथर्मिक होती है, ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, याद करो वो दिन, yes, ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि बाकी सारे तो भैया बहुत बना सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिक नहीं होता है, मतलब जो ये अगर आप सोच रहे हो कि OH निकल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं निकलता है, तो ये मोनो बेसिक नहीं होता है। हाँ, ऑक्सो एसिड बनाते हैं बट मोनो बेसिक नहीं बनाते हैं, और ऑक्सो एसिड में से भी फ्लोरीन का एक ही होता है HOF, क्लियर है। और क्या है, ये क्या करता है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यस मेरा बेटा, मैम आपने बताया था OF2 बॉन्ड बनाता है, तो कौन बना OF2, वो थोड़ी ना मेरा बेटा, ऑक्सो एसिड को थोड़ी ना, क्लोराइड है। इधर आओ, कंफ्यूज हो गए क्या, इधर आओ, ये देखो OF2 क्या है, हाँ बनाता है, ये ऑक्साइड, ये क्या है, फ्लोराइड है ना, और जबकि ये क्या है, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो एसिड बनाते हैं। OF2 तो क्या है आपका, क्लोराइड है, किसके साथ बना हुआ, इसका ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया काम की टेबल आ गई, हमारे काम की टेबल ये रही, चलो 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 जल्दी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी PKa की, मैम ये क्या होता है, PKa क्या होता है, Ka का उल्टा होता है, याद करो PKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka होता है, और Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, मेरा बेटा लिख लेना इसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, और तुम सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HI होता है, तो उसकी देखो PKa की वैल्यू क्या है, सबसे कम है,
क्योंकि अगर के ए ज्यादा है तो पी के क्या होगा, कम होगा, कल पेपर में आ सकता है ये। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, एच आई है, फिर एच पी आर है, फिर एच सी एल और फिर एच एफ है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं, मैम फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो एच दे देगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज एच का छोटा, आयोडीन का बहुत बड़ा है, तो इजिली वहां से एच प्लस निकल जाता है। सबसे ज्यादा एसिडिटी जो है एच आई की होती है, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एच आई का होता है। क्लियर है? डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो डाउन द ग्रुप कम हो रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। मैं अब आ जाओ इस पे पढ़ना एक बार मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से। क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नजर मारो। यस, क्या रंग बदल रहा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में भाई? हाँ, यहाँ पे देखो बहुत ही अलग आ गया इसमें, तो इसलिए कह रही हूँ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है 15, 16, 17 के। इसमें देखो एच आई का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसने, यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस को कंसीडर किया है मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका है, यानी कि फिर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर किया है, फिर दोबारा से वंडरवॉल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, एच एफ भैया जी सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे मैं रहूंगा, वोटर कहता मैं रहूंगा, एच एफ कहता मैं रहूंगा, एन एस थ्री कहता मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। ऐसे करके याद किया करो, बॉइलिंग पॉइंट में एनएससी कहता मैं नहीं रहूंगा, तवज्जो वंडरवॉल फोर्सेस को मिलने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में वोटर कहता है मैं सबसे आगे रहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट में एचएफ कहता है मैं सबसे आगे रहूंगा, तो यही सबसे आगे है। फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया है, कर लोगे क्या, करना तो पड़ेगा तुम्हारे पास। मैं तो फिर भी 10 दिन बाद भूल सकती हूँ, तुम जब तक नीट नहीं हो जाता भूलना मत, अगर भूल गए तो रिवाइज कर लेना। उसके अलावा यस बेटा बोलो बोलो बोलो। मैम जो पिछली स्लाइड थी उसमें जो इसमें नेगेटिव में वैल्यू है, इसमें मतलब उनकी नेगेटिव में जो वैल्यू है वो कम है ना? यस। ओके मैम, ऐसे मैथ्स में करते हो, ठीक है। कम होने का मतलब क्या, पीके सबसे कम है चाहिए का मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन याद है मेरा बेटा, मैंने एक ही रिएक्शन कराई थी, NOH बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त। अगर तुम कोल्ड एंड डाइल्यूट NOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो तुम्हें NaCl और NaCl, मैंने कहा था ये वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तभी कराया था। Cl2 देखो यहाँ पे जीरो में है, यहाँ पे माइनस वन में, और यहाँ पे प्लस वन, और ये किसमें हो गया, माइनस टू प्लस एक्स, कितना हो गया, ये प्लस वन में हो गया, ठीक है। देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखो जीरो, ये माइनस वन में, और ये किसमें है, माइनस सिक्स और प्लस फाइव में, तो देख रहे हो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ध्यान रखना है मेरा बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ जो Cl2 है वो किसमें चेंज हो रहा है, NaOCl में हो रहा है, और कंसंट्रेटेड NOH के साथ जब आप करा रहे हो तो किसमें चेंज हो रहा है, NaClO3 में हो रहा है। दोनों की ऑक्सीडेशन से तुम लोगों को पता होनी चाहिए। Cl क्लियर है? यस मैम। चलो उसके बाद क्या है, इधर आइए। मैंने कहा था ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन फ्लोरीन सिर्फ, इधर देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, HOF, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जबकि बाकी हैलोजन है वो नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, आप देख पा रहे होंगे HOF के बेचारे देखो कोई बना ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये देखो HCl वाले बहुत सारे हैं, HClO, HClO2, 3, 4, HBr के भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा बेटा, अगर मान लो मुझे थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन बनाने हो तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF, बाकी बहुत सारे। अगर मान लो मुझे इनके बीच का एसिडिक स्ट्रेंथ में वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, मेजर करना है या कंपेयर करना है, तो कैसे बताओगे? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस निकलना चाहिए, तो सबसे आसानी से कहाँ निकल सकते हैं, यहाँ निकल सकते हैं क्योंकि आयोडीन साइज में बड़ा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन अगर मान लो मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछती हूँ, मतलब एसिडिक नेचर पूछती हूँ, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, तो इसमें क्या से करोगे? अगर आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन में आप देख रहे थे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसी का एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे भी +7, इसकी कितनी है +5, इसकी कितनी है +3 और इसकी कितनी है +1,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा. सुपर डुपर इम्पोर्टेंट ऑर्डर. क्लियर है क्या? देखो एक बार. यस मैम. ठीक है चलो. उसके बाद ये देखो मैंने यहाँ पे भी चिपका दिया इसको. कर लोगे? यस मैम. यस मैम. यस नहीं एक सेकंड एक सेकंड. ना 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 इधर आओ. मैंने गलत लगाया भाई. एच एफ की तो पहली बात है एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए बोलता ही है. इधर देखो इधर आओ. एच सी एल ओ है ना. इधर आओ. कैसे बनता है एच सी एल ओ? ऐसे कैसे बनता है बताओ? ऐसे बनता है? ऐसे बनता है? नो मैम. ऐसे मैम. ओ के साथ आता है एच. यस मैम. और तीन लोन पेयर होते हैं इस पे. याद करो. यस. ठीक है तो यानी कि मेरा बेटा इधर आओ. क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन और उससे. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन. अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या मतलब है भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तुम खाली करने की सोच रहे हो तो ऑक्सीजन भी खींचेगा. खींचने से क्या होगा? ये बॉन्ड वीक हो जाएगा. देख रहे हो क्या? यस मैम. तो ये आराम से प्लस निकाल सकता है. तो इस केस में बेटा HOCl और HOBr HOI की ज्यादा होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. मैम दोबारा बताना. मैं ये बता रही हूँ. यहाँ पे आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लोरीन इज. अब HOF का यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है HOF का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं. HOCl में क्या बोलोगे आप? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा. फिर ऑक्सीजन इससे खींचेगा. ठीक है तो क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा. और अगर बॉन्ड वीक होगा तो इजिली H+ जो है यहाँ से निकल जाएगा. तो HOCl. हाँ बोलो. मैम पर ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना क्लोरीन से. हम कंपेयर कर रहे हैं मेरा बेटा क्योंकि सब में OH OH है ना. Yes, ma'am. तो कैसे कंपेयर करेंगे? हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है? सिर्फ यही तो है ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. यस मैम. क्लोरीन ज्यादा ताकत लगाएगा कंपेयर टू ब्रोमीन. कम ताकत लगाएगा. आयोडीन तो बिल्कुल ही कम लगाएगा. और कम लगाएगा तो H+ निकलेगा ही नहीं फिर आसानी से. ठीक है. Yes, ma'am. उसके बाद आते इंटर हेलोजन कंपाउंड. ये मैंने तुम्हें क्लास में नहीं बताए थे. याद करो नहीं बताए थे. Yes, ma'am. इंटर हेलोजन कंपाउंड. हाँ जी बोलो. क्लास में नहीं बताए थे. इंटर हेलोजन. देखो नाम से पता चल इंटर मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट हेलोजन. तो यही है. दो डिफरेंट हेलोजन के बीच में कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं. तो वो कह रहे हैं जब दो डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट करेंगे आपस में तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं. और उनको लिखते पता है इस तरीके से एक्स एक्स डैश एक्स एक्स थ्री डैश एक्स एक्स फाइव डैश. ये क्यों है? 1, 3, 5, 7 क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो हेलोजन्स में क्या है, नीचे जाते जाओगे प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो. क्लोरीन दिखा रहा है, प्लस 5 भी दिखा रहा है, 1 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखा रहा है. इसलिए ये टाइप के बन रहे हैं. ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं जो एक्स वाला होगा ना, मैं नीचे लिख देती हूँ. ये जो एक्स वाला है वो हेलोजन लार्जर साइज में होगा और जो एक्स डैश वाला होगा वो स्मॉलर में होगा. और क्या ध्यान रखना है? एक्स वाला जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा. ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ. और एक्स डैश वाला क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. क्लियर है क्या? यस मैम. जैसे इसमें देखो जैसे मान लो CLF3 है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है. यस मैम. देखो क्लोरीन का है बाद वाला ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. जैसे BrF3 है, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है. फ्लोरीन देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. और क्या है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में और क्या ख्याल है? ये सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ठीक है. वोलेटाइल सॉलिड होते हैं और लिक्विड्स होते हैं. मतलब जो सॉलिड भी होते हैं वो भी वोलेटाइल होते हैं, वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं. और लिक्विड भी, सिर्फ किसको छोड़ के? CLF को छोड़ के, जो कि क्या है? गैस है. ठीक है. वोलेटाइल सॉलिड और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, CLF नहीं होता बिकॉज CLF गैस होता है. ठीक है. उसके अलावा और क्या है? जो इसकी फिजिकल एंड केमिकल क्या बोले, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट हैलोजन्स एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आपको ये याद रखना है जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है. बस इतना आपको ध्यान रखना है. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्ट करके क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है.
तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है। और क्या ध्यान रखोगे? यस, इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं भाई हेलोजन से। अगर मैं पूछ रही हूँ तुमसे, इधर आओ, अगर मैं पूछ रही हूँ तुमसे बेटा, एक ICL है और एक Cl2 है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तुम कहोगे मैम ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, आयोडीन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इनका बॉन्ड वीक है, इनका बॉन्ड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन किसको छोड़ के एक्सेप्ट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, F2 को, मतलब F2 वाला ज्यादा मैं बोलूंगी कम रिएक्टिव है, मतलब फ्लोरीन को छोड़। क्या बोल रहे हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हेलोजन में Cl2 वाला ले लेना, Br2 वाला ले लेना, I2 वाला ले लेना, F2 वाला नहीं लोगे, ठीक है। उसके बाद वही बोला हुआ क्यों होता है, बिकॉज XX डैश बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है एक्सेप्ट FF4, ठीक है। फ्लोरिन के साथ तो जनरली हम रिएक्शन भैया कराते नहीं, भयंकर एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है इतना? कोवेलेंट होते हैं मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है, ठीक है। क्वेश्चन करो, चलो ये पांचों करो। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। हैलोजन्स को क्या रिप्रेजेंटेटिव ही बोलते हैं, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, ये बाकी करो तुम लोग, पहले बताया था। क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, 8 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, शाबाश, बाकी करो। चलो लाइन से पूछती हूँ, पहले मोनिका मुझे दिख रही है हैंड रेस में, सबसे पहले मोनिका बताएगी सारे हैलोजन कलर होते हैं वाइट, ऑप्शन 2 क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरी गुड, क्लैपिंग हो जानी चाहिए। आगे तमनप्रीत का नंबर आता है, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का मैम वो ऑप्शन 3, यस, क्लोरीन फिर फ्रोमिन ब्रोमिन आयरन, ठीक है जी, क्लैपिंग बचते रहने चाहिए। सिद्रा की बारी आ गई, हैलोजन हैलोजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैम ऑप्शन ए, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। चलो आगे चलते हैं, जानवी पे आते हैं, ऑप्शन 4 मैम, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड बेटा सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ अभी बताया था डेटा में, ठीक है, ओके। उसके बाद अपेक्षा की बारी आती है, फिफ्थ क्वेश्चन अपेक्षा बताएगी, ये ऑप्शन सी आएगा क्या? डायटोमिक तो है क्या, वो डायवेलेंटाइन बनाते हैं क्या? नो मैम, नो मैम, ओ मैम, नो मैम, चारों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना मेरे बेटा, तो डायवेलेंट तो बनाने से रहे, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी क्या है, गलत है, क्यों? वो बोले दे ऑल आर कैपेबल एग्जिबिटिंग सेवरल, नहीं फ्लोरीन बनाता है, मतलब फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही दिखाता है, यस, डायवेलेंट गलत है, दे कैन म्यूचुअली डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ, सारे नहीं, फ्लोरीन जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ऐसे ही क्लोरीन जो है ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, सारे नहीं कर सकते कि आयोडीन फ्लोरीन को भी कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी क्या है, गलत है। ये वाला क्वेश्चन करो, अक्षर आप बताओ, 73 वाला, मैम डी ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है, इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ज्यादा भूखा होगा ये मतलब खींचेगा तो एच आसानी से निकलेगा, ये +5 वाला है, ये +3 +4,
74 वाला करो, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आना चाहिए भाई समझ में। जानवी ऑप्शन सी मैम। सी बाय सी बेटा मैम, फ्लोराइड जो होता है ऑक्साइड नहीं होता, मतलब एफ2 तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसके बेसिस पे आप बताओगे ये क्या है, ये ऑक्साइड नहीं है फ्लोराइड है पहली बात तो, ठीक है यही गलत है, बाकी ठीक है। ओ3 मॉलिक्यूल बेंट ही होता है, ठीक है एंगुलर होता है। ओ एन एफ जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, चेक करो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, इसके कितने होते हैं, कितने होते हैं इसके 7 7, इसके 5 और इसके 6, तो कितने हो गए 12 और 6 18, इसमें देखो 5 12 और 1 कितने हो गए 12 5 17 और 1 18, ठीक है। अब Cl2O7 एनहाइड्राइड इसका मतलब क्या है बेटा, HClO4 क्या होता है, यही होता है। अगर आप इसकी दो यूनिट ले लेते हो, इधर देखो अगर आप इसकी दो यूनिट ले लेते हो तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा Cl2O7, तो Cl2O7 क्या है एनहाइड्राइड है, किसका मेरा बेटा परक्लोरिक एसिड का, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। एनहाइड्राइड कब बनता है, पानी निकाल दो जो बन जाता है एनहाइड्राइड होता है वो, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, तो गलत कौन सा होगा सी वाला। क्लियर है सबको, जानवी तुमने पहले कर रखे हैं PYQs? मतलब होमवर्क वाले किए थे, आपने होमवर्क में दिया था। अच्छा होमवर्क में दिया था ये मैंने, यस मैम, मतलब पढ़ते हो। चलो उसके बाद आ जाओ ग्रुप 18 पे। मैम क्या करना है इसमें, एटॉमिक नंबर छोड़ो गोली मारो, एटॉमिक मास गोली मारो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, NS2NP6 होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो इनकी सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया नोबल गैस है वैसे काम का तो नहीं है, डाउन द ग्रुप हट ही रहा है। हाँ ये रहा इंपॉर्टेंट, ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, क्योंकि लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नियोन की होती है, फिर आर्गन क्रिप्टोन की बराबर होती है, फिर जीनोन एंड देन हीलियम, इसको आप भूल जाना, रेडोन को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है वैसे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ रहा है ना कंटिन्यूस, 24 83 115 161 202 4 27 87 119 165 211, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन क्या बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मोल्डिंग पॉइंट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है जी। देखो यस मैम, यस मैम, उसके अलावा क्या करना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ग्रुप 18। उसके बाद देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखो नोबल गैसेस मोनोटोमिक है, ठीक है, कलरलेस ओडरलेस है, स्पेरिंगली सोलबल है, मतलब पानी में बहुत अच्छे सोलबल नहीं है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, देख रहे हो कितने फुसे हुए हैं, मतलब 4 27 87 कितने कम कम है, ठीक है, क्योंकि इनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है भैया, बहुत ही कम, ठीक है, बस यही था इसमें तो, ठीक है यही याद रखना है। तो आई होप मैक्सिमम चैप्टर रिवाइज करा दिया हूं मैंने, ठीक है। अब तुम बोलो क्या करोगे, मतलब आई मीन सारा नोट्स वाला रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, जितना भी करवाया हुआ है इसमें क्या क्या चीजें, वैसे ऑलमोस्ट कवर कर दी है मैंने, जो जो अपने नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें प्लीज उसको रिवाइज करके ही टेस्ट देना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, एसिडिटी है ना, हाइब्रिडाइजेशन जहां पे मैंने बोला ये आप सबको पता होने चाहिए, है ना, हेलोजेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि कलर्ड होते हैं, बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ग्रुप 16 और 17 में क्या होता है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बेटा बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं, बाकी देखते हैं कल का पेपर, आई होप कि अच्छा जाए। और क्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड मिलता है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, HClO की ज्यादा होती है, फिर BrHOi,
ठीक है, ये जितनी भी टेबल है ना, जितनी भी मैंने तुम्हें बताई है बेटा, सब पता होने चाहिए तुम्हें, 15 की, 16 की, 17 की, परोक्सी लिंकेज किसमें होती है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ, ठीक है जी। मैम ज़ीनोन के स्ट्रक्चर, हाँ ज़ीनोन के स्ट्रक्चर कर लेना, XZO3 के, XZF4 के, है ना, XZO3F2 के, वो सिंपल है जो तुमने भाई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली ना, अब तो तुम प्रो हो गए, अब तो तुम प्रो हो गए होगे, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना उसको।